हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा सेशन है क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम और हम पढ़ेंगे चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। देखिए, इससे पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो हमारा इसके ठीक पहले का वीडियो आपने देखा होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में पढ़े। लेकिन उस चैप्टर में हम चुंबक के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़े, मतलब किसी कंडक्टर पर, किसी चालक पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक बनता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट, मतलब जो स्थायी चुंबक होता है। तो चुंबकत्व के सभी गुण को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे चुंबक के बारे में आप छोटे क्लास में भी पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन 12th क्लास का सिलेबस में चुंबक का डिटेल स्टडी है। तो हम स्टार्ट करते हैं चुंबक। सबसे पहले हम देखें कि वास्तव में चुंबक क्या होता है, चुंबक कहते हैं किसको है। मैग्नेट, चुंबक क्या है? तो सामान्य रूप से चुंबक कहने से हमारे दिमाग में किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने वाले वस्तु के बारे में हम सोचते हैं। दैट मीन्स वास्तव में चुंबक क्या है? चुंबक एक पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को, जैसे निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं, जिसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सीधा सा डेफिनेशन है, चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से उसे हम चुंबक कहते हैं और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण, कि चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के बहुत से गुण तो आप लोग को पहले से पता है, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं आप लोग को पहले से पता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज का ये है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव अनिवार्य होते हैं, क्लियर। तो चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, सीधा पहला प्रॉपर्टी ही है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, माने बिना कोई बाहरी बल लगाए, तो वह पृथ्वी के क्या होता है, पृथ्वी के नॉर्थ साउथ की ओर रेस्ट करता है। यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह पृथ्वी के नॉर्थ साउथ की ओर रेस्ट करता है। वैसे तो मेरे इंस्टीट्यूट में पूरी लेबोरेटरी है, बाद में मैंने एक आध वीडियो में आपको बताया था कि बाद में मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के कंडीशन में जितने एक्सपेरिमेंट हैं हमारे, उनका एक डेमो के लिए मैं एक वीडियो बनाने का प्लानिंग है। फिलहाल अपन थ्योरी को पहले कंप्लीट करते हैं। लेकिन मैं मैग्नेट, बहुत छोटा चीज़ है, यहाँ पर कुछ मैग्नेट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैं एक मैग्नेट रखा हूँ, ये दंड चुंबक है और इसका रेड वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल को बताता है और ब्लू वाला क्या है, साउथ को बताता है। तो जिस क्लासरूम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यदि मैं इसको इस धागे से, देखिए इस तरह से इसको मैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूँ तो ये क्या है, घूमेगा और फाइनली वो नॉर्थ साउथ में आके रेस्ट करेगा। देखिए, यहाँ पर, यहाँ से मैं अपने कमरे का दिशा ज्ञान कर सकता हूँ कि ये जो रेड वाला एंड आप देख रहे हैं वो इधर है, मतलब वो पृथ्वी का उत्तर दिशा है, और ब्लू वाला इधर है, मतलब पृथ्वी का दक्षिण दिशा है। मतलब आप जो मेरे को देख रहे हैं वो कौन सा दिशा हो सकता है, ईस्ट, पूर्व हो सकता है। मैंने अपने क्लासरूम को इसी प्रकार से ही बनाया है कि स्टूडेंट ईस्ट फेस में होकर बैठे। यदि इसको आप इत्तेफाक से ऐसा लटका है सोच रहे होंगे तो बाय द वे मैं इसको डिस्टर्ब कर देता हूँ, इस प्रकार से मैंने कर दिया, नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ कर दिया। तो देखिए, इसको मैं पकड़ के रखा हूँ तब तक है, लेकिन जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो छोड़ते ही देखिए अपने स्थिति में वापस आ जाएगा। यदि कितने बार भी घूमे गए, इसको मैं घूमने देता हूँ देखिए, तो फाइनली ये देखिए अभी बल आघूर्ण के कारण घूम रहा है। आगे मैं समझाऊंगा बल आघूर्ण क्या है, अभी से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि चुंबक क्यों घूम रहा है। बल आघूर्ण के कारण वो घूर्णी गति कर रहा है, क्योंकि क्या है, बल आघूर्ण उसको घुमा रहा है। ऐसा ये बहुत देर तक घूमता रहेगा। इसको मैं अब रेस्ट करूँ कहीं पर भी इस तरह से तो वो नॉर्थ साउथ में रुकेगा। देखिए, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ, यदि इसको मैं घूमने देता तो
कोई टाइम नहीं है उसका कब तक वो घूमते रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है जो उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। दोलन चुंबकत्व भी इसी सिद्धांत पर बना हुआ है। तो ये देखिए, ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्लियर। तो कभी भी हम किसी चुंबक को, दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ की ओर रेस्ट करता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबक को यदि हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट दें, मतलब चुंबक को विभाजित करने पर, चुंबक को विभाजित करने पर यदि उसको बांट दिया जाए, जैसे मान लो मेरे पास इस प्रकार से एक चुंबक अभी जो दिखाया ये है, इसको मैं बीच से इस तरह से काट दूं, तो यहाँ पर दो पीस बन जाएगा, ये दो टुकड़ा बन जाएगा, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ रहेगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ रहेगा। मतलब चुंबक को यदि हम विभाजित कर दें, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दें, तो उसका हर पीस, हर टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक होगा, मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे। चौथा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबक पर बल लगाने पर, बल लगाने पर मतलब चुंबक को यदि हम हथौड़े से मारें, उसको पटक दें, या इवन उसको क्या करें, हम गर्म कर दें, गर्म करना भी बल लगाने जैसा ही है, तो क्या हो जाता है, वो विचुंबकित हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो चुंबक को पीटने पर, पटकने पर, कोई भी बाह्य बल लगाने पर, गर्म करने पर, उसकी चुंबकीय शक्ति या तो छीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या कंप्लीटली क्या होता है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, क्लियर। फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी चुंबक को, यदि हम किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाएं, तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाता है। चुंबक को पास लाने पर, चुंबक के पास यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को लाएं, तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। और छठवां इसका महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये छठवां बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि इसके ध्रुव, इसके जो ध्रुव होते हैं चुंबक के, ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते, ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते। मतलब हम यदि किसी चुंबक के चाहें तो स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव, कि हम चुंबक को टुकड़े टुकड़े में काट दें और बोलें कि भाई ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ के साथ साउथ रहेगा ही। आज तक किसी वैज्ञानिक ने किसी भी प्रोसेस की सहायता से स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त नहीं किया है, जबकि विद्युत में ऐसा नहीं है। विद्युत के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हम दो वस्तु के बीच में घर्षण करें तो एक में धन आवेश, एक में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दोनों आवेश को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट का कि हम चुंबक के ध्रुव अलग नहीं कर सकते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज मैंने आपको चुंबक का बताया कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक का गुण क्या है। अब हम देखते हैं चुंबक के प्रकार। आज के क्लास में जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वह क्या है, मैग्नेट का बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि आपको पता है मेरा क्लास का पैटर्न, अब आप लोगों को वीडियो देखते हुए समझ में आ गया होगा कि कभी भी कब मैं कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहला जो लेक्चर होता है वो कम्प्लीटली उस चैप्टर के कम्प्लीट कॉन्सेप्ट पर होता है, क्योंकि मेरा इस तरह से मानना है कि आपको बिल्डिंग बनाना है तो पहले आपको बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कोई भी चैप्टर हो, फर्स्ट डे का जो क्लास होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस क्लास में हम पूरे चैप्टर में आगे जो पढ़ेंगे उसके बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करते हैं। इसलिए इस फर्स्ट पार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए चुंबक के प्रकार, अब हम पढ़ते हैं चुंबक के प्रकार, उसके टाइप्स। तो चुंबक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक कहलाता है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ये दो तरह के चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक मतलब जो हमको प्रकृति से मिला है, जो नेचर से मिला है, जो गॉड गिफ्टेड है, वो मैग्नेट क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो एक मैग्नेट की भांति कार्य करता है, सबको पता है। और ये पृथ्वी नेचर से दिया हुआ है, पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति हम लोगों ने पैदा नहीं किया, वो नेचर ने उसमें दिया हुआ है। तो पृथ्वी क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। और कृत्रिम चुंबक क्या होता है, जो मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित मतलब जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया, हम लोगों ने कुछ प्रोसेस की सहायता से बनाया, वो क्या कहलाता है,
कृत्रिम चुंबक कहलाता है। अब हम यदि कृत्रिम चुंबक के टाइप्स के बारे में बात करें कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो देखिए कृत्रिम चुंबक के कोई गिनती के प्रकार नहीं है, क्योंकि कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। हमको कोई डिवाइस बनाना होता है, कोई उपकरण बनाना होता है, तो उपकरण बनाने के लिए यदि उसमें चुंबक का जरूरत पड़ा तो उपकरण की जैसी हम डिजाइनिंग करते हैं, जैसे हमको पंखा का डिजाइन करना है, हमको मोटर बनाना है, हमको वाइब्रेटर मशीन बनाना है, ये सब में मैग्नेट का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ पर जिस प्रकार के डिजाइन का मैग्नेट का जरूरत पड़ता है वैसे हम उसकी डिजाइन कर लेते हैं, वैसे उसका नाम रख देते हैं। इस आधार पर यदि हम कहें तो चुंबक को मुख्य रूप से इसकी आकृति के आधार पर, कि जैसी उसकी आकृति होती है वैसा उसका नाम, तो उसमें हम कह सकते हैं दंड चुंबक, इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट। दंड चुंबक का मतलब होता है जो डंडे के आकार का हो। इस प्रकार से जो अभी मैंने बताया, अभी तो आपको मैंने बताया ये बार मैग्नेट कहलाता है, ये जो मैग्नेट मैं आपको बताया ये एक्चुअल में क्या है, एक बार मैग्नेट है, बार की तरह होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक इंग्लिश में बोलते हैं हार्स शू, घोड़े का जूता, घोड़ा जूता नहीं पहनता लेकिन हम इंग्लिश में हार्स शू बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं नाल, मतलब घोड़े के पैर में नाल यू शेप का लगाया जाता है, ये आप सबको पता है कि इस प्रकार से होता है नाल चुंबक, ये घोड़े के पैर में लगाया जाता है, इसको हम नाल चुंबक कहते हैं। इसमें ये इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। देखिए ये एक ऐसा मैग्नेट है जो इंस्ट्रूमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, धारामापी पढ़ा, या हमने बल आघूर्ण का गणना किया, या साइक्लोट्रॉन पढ़ा, सब जगहों में हमने नाल चुंबक, मैं आपको समझाया था कि नाल चुंबक किस प्रकार से हम चित्र में शो करते हैं, तो नाल चुंबक कहलाता है। ये जो बार मैग्नेट है ये स्टडी के काम आता है, ये पढ़ने के काम आता है। अभी हम इस चैप्टर में नाल चुंबक, दंड चुंबक के बारे में ही पढ़ेंगे। और इसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण प्रकार है वह है वृत्ति चुंबक या वृत्ताकार चुंबक। इस प्रकार से वृत्ताकार चुंबक मतलब जो इस शेप में रहे, ये आपने देखा होगा स्पीकर के पीछे जो मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है मेरे पास था लेकिन वो तो सबको पता है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, हर कोई जानता है कि किसी भी स्पीकर के पीछे में एक ब्लैक कलर का मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट लगा रहता है। वो इसलिए लगता है ताकि चारों तरफ से जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो बराबर आकर्षित हों। तो सबको डिज़ाइन करने का अपना एक पर्पस है कि किस लिए इसको वैसा डिजाइन किया गया है, एक ज़रूरत के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे इसके बहुत से प्रकार हो सकते हैं, जैसी जैसी उसकी आकृति होती है वैसे हम उसका नाम रख देते हैं। दंड के आकार है तो दंड चुंबक, घोड़े के नाल के समान है तो नाल चुंबक, वृत्ताकार है तो वृत्ति चुंबक। इस प्रकार से हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। ये है चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब हम पढ़ते हैं चुंबक रक्षक। चुंबक रक्षक, रक्षक का मतलब क्या होता है, देखो रक्षा करने का मतलब है उसको बचा के रखना, यदि कोई चीज समाप्त हो रहा हो तो उसकी रक्षा करना। तो चुंबक को रक्षा करने का क्या जरूरत पड़ता है, चुंबक को रक्षा की क्या आवश्यकता है, देखिए चुंबक रक्षक इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। देखिए इंग्लिश नाम को भी आप लोग ध्यान में रखिए, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कम से कम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद होना चाहिए, उसके बहुत बेनिफिट है आपको आके जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, आप 12th पास होने के बाद IIT, NEET, इंजीनियरिंग, मेडिकल के फील्ड में जाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगा। और अभी भी बाय द वे आप कुछ ऐसा बुक कंसल्ट करते हैं जिसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो मैग्नेटिक कीपर होता क्या है, देखो मैग्नेट की सुरक्षा का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक दंड चुंबक है। अब ये दंड चुंबक को यदि मैं पृथ्वी में कहीं पर भी अकेला छोड़ दूं तो इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी के बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके कारण इस चुंबक को लगातार कार्य करना पड़ता है। और कोई भी जब कार्य करेगा तो उसका एनर्जी तो लॉस होगा, तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए कभी आप स्कूल वगैरह में अपने लैब में देखना जो अकेले अकेले मैग्नेट पकड़े हुए हैं वो मैग्नेट मैग्नेट को ही आकर्षित नहीं कर रहा है, ऐसी उसमें स्थिति हो जाती है, क्योंकि उनको सुरक्षा के साथ नहीं रखा गया है। तो सुरक्षा के साथ रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो चुंबक रक्षक कैसे बनाते हैं, अभी मैं आपको बता भी दूंगा उसको। ये एक चुंबक है और सपोज ये दूसरा चुंबक है, ये दो चुंबक हैं, चुंबक रक्षक बनाने के लिए दो चुंबक चाहिए। ये इसका नॉर्थ पोल है तो इसका ये साउथ पोल रहेगा, ये यहाँ साउथ पोल है इसका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा।
अब दोनों चुंबक के बीच में, इसके ठीक बीच में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का या लकड़ी का या किसी भी ऐसे पदार्थ का टुकड़ा रख देते हैं जो चुंबकीय पदार्थ ना हो, ऐसा कर देते हैं। और इसके बाद इसके दोनों सिरे में एक लोहे की पट्टी जो कि नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहा मतलब सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे का बना होता है, अभी बताऊंगा मैं क्यों बना होता है ये, और ये दोनों साइड में ऐसा लगा देते हैं इस तरह से, ये यहाँ चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, ये नर्म लोहे का पट्टी है ऊपर नीचे जो ब्लैकिंग से मैंने बनाया है। अब ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से यहाँ नॉर्थ से निकलने वाली बल रेखा है साउथ, साउथ से निकलने वाली बल रेखा है नॉर्थ, फिर नॉर्थ से निकलने वाली बल रेखा है साउथ, और फिर साउथ से निकलने वाली बल रेखाएं नॉर्थ की ओर, इस प्रकार से वृत्ति पथ पर गोल गोल घूमते रहती हैं, जिसके कारण इसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त नहीं होती। ऐसा करने से चुंबकीय शक्ति क्यों समाप्त नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे मान लो मेरे पास है एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है सपोज, इसमें मैं पानी भरा हुआ हूँ। अब यहाँ से क्या है, मैं इसको पानी को बाहर कर रहा हूँ, और पानी को बाहर करने के बाद इसको एक मोटर की सहायता से फिर इसको ऊपर मैं भर दे रहा हूँ पानी इसमें, तो यहाँ से पानी खाली हो रहा है, यहाँ से फिर उसी को मैं वापस रिसाइकल कर दे रहा हूँ, तो कभी इस पानी का, इस टैंक का वाटर कभी समाप्त होगा, नहीं होगा। समाप्त कब होता है, जब हम नल को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पानी निकल रहा है, उसको हम फिर टंकी में डाल दे रहे हैं। एग्जैक्ट वैसे यहाँ पर यदि एक अकेला चुंबक रहता तो अकेला चुंबक पे समझ लो जैसे नल से पानी बह रहा है जैसी बात हो जाती, लेकिन दोनों चुंबक को इस व्यवस्था में अरेंज कर दिए तो इसके जो चुंबकीय शक्ति है वो रिसाइकिल हो जा रहा है, अंदर के अंदर घूम रहा है। इस प्रकार से इस चुंबक को कई साल तक भी छोड़ दें तो ये भी चुंबकित नहीं होगा। ये मैं आपको यहाँ पर एक डेमो बता देता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है इसलिए मैंने आज लाया था क्लास में आपके लिए। देखिए ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, इसके बाद ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, इसको मैं यहाँ रख दिया इस प्रकार से, और इसके बाद ये दूसरा चुंबक है। देखिए इसका जो रेड पोर्शन है नॉर्थ है, तो उधर मैं इसके साउथ को रखूँगा ऐसा, ये रख दिया, ये बीच में प्लास्टिक का टुकड़ा है आप देखो। इसके बाद ये ऊपर का जो दोनों सिरा है उसको मिलाने के लिए नर्म लोहे की पट्टी, ये मैं रखा हूँ, देखिए ये नर्म लोहे की पट्टी है, इसको मैं यहाँ पर चिपका दिया ऐसा, और एक नर्म लोहे की और पट्टी, ये हमने इसको ये नीचे चिपका दिया ये। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये चुंबक रक्षक की स्थिति हो गई। अब ये चुंबक रक्षक में ये नर्म लोहे की पट्टी, ये नर्म, दोनों चुंबक के अपोजिट पोल है, बीच में प्लास्टिक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो चुंबक रक्षक है नर्म लोहे का क्यों बनाया जाता है। तो एक्चुअल में नर्म लोहे का बनाने का, देखो ये चुंबक के साथ मेरे पास कम से कम ये 8-10 साल से भी ज़्यादा इस कंडीशन में है, लेकिन आज तक इसकी चुंबक की शक्ति समाप्त नहीं हुई। यदि मैं इसको अकेले छोड़ देता तो वो साल भर में भी चुंबकित हो जाता। अब देखो ये ऊपर चिपका है इसको निकाला, और ये नीचे चिपका है इसको मैं निकाला, ठीक है। अब इन दोनों को मैं आपस में चिपका रहा हूँ तो आपस में नहीं चिपका रहे, जबकि आपको मालूम है कि कोई भी लोहे का टुकड़ा यदि चुंबक के साथ 2-4 दिन भी चिपका रहे तो उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, जिसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन ये दोनों कई साल से चिपके हैं और देखो ये आपस में नहीं चिपका रहे, ये आपको समझ में आ रहा है आपस में नहीं चिपका रहे, तो इसका कारण क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि नर्म लोहे का बनाते हैं क्यों, ऐसा आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबक रक्षक नर्म लोहे का बनाया जाता है क्यों। तो देखिए यहाँ पर नर्म लोहे की जो विशेषता है वो ये है कि नर्म लोहा बहुत ही जल्दी, मतलब शॉर्टली क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, यह बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है और बहुत जल्दी विचुंबकित भी हो जाता है, दोनों हो जाता है, जल्दी चुंबकित भी और जल्दी विचुंबकित भी। तो ऐसा इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण फिर क्या फायदा हुआ, फायदा यह हुआ कि जब हम इसको इसके साथ चिपका के रखते हैं तो जैसे ही चिपकाते हैं ये चुंबकित हो जाता है, और चुंबकित होने के कारण क्या होता है, ये इसके साथ में चुंबकित व्यवहार करने लगता है इस प्रकार से, और ये भी इसके साथ में चुंबक बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको अलग करते हैं, जब हमको चुंबक का काम का जरूरत होता है हम उसको अलग करते हैं तो तुरंत विचुंबकित हो जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, चुंबकीय शक्ति को वापस कर देता है। यदि ऐसा नहीं करता, बाई दबे हम उसके जगह में नर्म लोहे का न लगा के यदि हम हार्ड आयरन लगा देते या और किसी प्रकार का लोहा लगा देते तो वो खुद चुंबकीय शक्ति को अपने लिए ले लेता और जो उसकी रक्षा के लिए लगाया गया था वही उसको नुकसान पहुंचाता, भक्षक हो जाता उसको।
तो इसलिए नर्म लोहे का बनाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चुंबक रक्षक नर्म लोहे का क्यों बनाते हैं। चुंबक रक्षक नर्म लोहे का इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसकी विशेषता होती है कि जल्दी चुंबकित हो जाता है और बहुत जल्दी विचुंबकित हो जाता है। ऐसा आंसर में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का वन आंसर के लायक क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये है चुंबक रक्षक। अब हम देखते हैं चुंबक रक्षक के बाद इस चैप्टर का चुंबक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो ये है कि कभी देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया होगा, मुझे लगता है निश्चित रूप से आया होगा क्योंकि मेरे बचपन में मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था, लेकिन तब मुझे उसका आंसर नहीं मिलता था। मैं कई बार टीचर से भी पूछा तो मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला। बाद में जब मैं फिजिक्स का डीपली स्टडी किया तो मुझे ढंग समझ में आया। ये क्वेश्चन आप लोग के भी दिमाग में आता होगा, वो ये कि हमारे पास जैसे मैं यहाँ पर एक चुंबक रखा हूँ, ये चुंबक है। अब इस चुंबक में चुंबकीय शक्ति है, लेकिन सपोज ये हालांकि प्लास्टिक है लेकिन कुछ समय के लिए आप इसको लोहे का मान लो, तो इसमें चुंबक है और इसमें चुंबकीय शक्ति नहीं है, जबकि दोनों लोहे से बना हुआ है। दोनों के एक एक एटम का यदि हम उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करें तो समान है। इसके भी हर अणु चुंबक है, इसका भी हर अणु चुंबक है, लेकिन ये चुंबक बन गया है, ये किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इस प्रकार से, और ये किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहा है, जबकि ये भी लोहे का है मान लो ना, हाले प्लास्टिक है आप लोहे का मान लो बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या वजह है कि चुंबक एक चुंबक है वह भी लोहे का बना है, एक सामान्य लोहे का टुकड़ा भी लोहे का बना हुआ है, लेकिन एक में चुंबकीय शक्ति है और एक में चुंबकीय शक्ति नहीं है। ये बात बचपन में कभी कभी मुझे परेशान करता था कि भाई इसमें चुंबकीय शक्ति आया क्यों, कहाँ से आया, क्या उसके अंदर में डाले, क्या किए, कैसा किए, मतलब उसमें हम किस तरह का परिवर्तन लाए कि एक लोहा चुंबक बन गया है। तो इस सिद्धांत को जो वैज्ञानिकों ने समझाया उसको हम बोलते हैं चुंबक का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट, चुंबक का आणविक सिद्धांत। और मैं समझता हूँ कि जब तक कोई स्टूडेंट इस सिद्धांत को ना समझे तब तक वो चुंबक समझा ही नहीं है, तब तक वो चुंबक के मेन प्रॉपर्टी को जान ही नहीं रहा है। चुंबक का आणविक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। चुंबक का आणविक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सहायता से एक स्टूडेंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वास्तव में किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक का गुण कैसे उत्पन्न हुआ, क्लियर। तो इसके तीन सिद्धांत हैं और तीनों सिद्धांत के एक एक प्रमाण आपको मैं समझाता हूँ ताकि आपको वो वेरीफाई हो सके, क्लियर हो सके कि भाई वो सिद्धांत कैसा है। इसमें से पहला सिद्धांत है, जो फर्स्ट नंबर का सिद्धांत है, इसका पहला सिद्धांत वो है कि चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु, एक एक अणु पूर्ण चुंबक होता है, पूर्ण चुंबक होता है। पूर्ण कहने का मतलब यहां पर क्या है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, पूर्ण चुंबक का मतलब यही। तो चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने आप में पूर्ण चुंबक होता है, यह सिद्धांत कहता है। चुंबक नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, आप वर्ड को ध्यान देना, चुंबकीय पदार्थ मतलब यदि मेरे पास कोई ऑर्डिनरी आयरन पीस है, लोहे का टुकड़ा है, वो चुंबक नहीं है अभी, लेकिन उसके भी एक अणु को यदि हम अध्ययन करें तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल, भले ही अभी वह चुंबकीय शक्ति प्रदर्शित नहीं कर रहा है लेकिन उसके प्रत्येक अणु में चुंबकीय शक्ति है, इसीलिए चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है। अदरवाइज लकड़ी भी आकर्षित हो जाता, प्लास्टिक भी हो जाता। आप इस बात को समझना कि लोहा ही चुंबक के साथ क्यों चिपकता है, लकड़ी क्यों नहीं चिपकती, क्योंकि लकड़ी का प्रत्येक अणु चुंबक नहीं है और लोहे का प्रत्येक अणु क्या है, चुंबक है। इस बात का प्रमाण क्या है, इस बात को हम किस बात से प्रमाणित कर सकते हैं, तो इस बात का प्रमाण यह है कि हम जब किसी चुंबकीय पदार्थ को विभाजित करते हैं या चुंबक को विभाजित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, विभाजित करने का मतलब जब हम उसको विभाजित करने पर पूर्ण चुंबक होता है, मतलब चुंबक को जब विभाजित करके देखा गया, छोटा छोटा टुकड़ा करके देखा गया, तो वैज्ञानिकों ने कह पाया कि उसका हर अणु एक चुंबक था। इससे प्रूफ हो गया कि प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है।
इसके बाद इसके हम यदि दूसरे सिद्धांत पर इसकी बात करें तो दूसरा जो सिद्धांत है उसको मैं पहले एक चित्र के माध्यम से आपसे समझा दूं, उसके बाद उसके एविडेंस प्रमाण को आपको बाद में दूंगा। ये देखिए, सपोज हमारे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है, अभी ये चुंबक नहीं है, अभी ये सामान्य एक लोहे का टुकड़ा है। तो इसके अंदर जो अणु होते हैं, इसके अंदर जो अणु हैं वो इस प्रकार से एक बंद समूह बनाए हुए होते हैं, इस प्रकार से कैसा भी आप बंद बना सकते हो, कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, इस तरह से ये छोटे छोटे बंद समूह बनाए हुए हैं, एक क्लोज चेन बनाया हुआ है, क्लोज चेन। और इस क्लोज चेन में आप देखो, ये इसका नॉर्थ है तो साउथ है, फिर यहाँ से नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से ये बंद समूह बना के छोटे छोटे ग्रुप में है। इसके कारण होता क्या है कि इसका हर अणु चुंबक तो है, जैसे प्रत्येक अणु अपने आप में पूर्ण चुंबक तो है, लेकिन ये अपनी चुंबकीय शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे समूह बना के अपनी चुंबकीय शक्ति को क्या कर ले रहे हैं, समाप्त कर ले रहे हैं। इस प्रकार से ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके तीसरे सिद्धांत को आप समझिए, फिर मैं दोनों को कंपेरेटिवली बताऊंगा। तीसरा सिद्धांत के चित्र को आप समझिए, देखिए अब हम क्या किए, ये जो लोहे का टुकड़ा था, ये जो लोहे का टुकड़ा था इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये है, अभी आप इसको ये मान के चलिए। और इसके साथ में हमने क्या किया, एक मैग्नेट को ला के चिपका दिया। ये सपोज ये मैग्नेट है, ये चुंबक है, और ये सपोज इसका नॉर्थ पोल है, ये सपोज इसका साउथ पोल है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस चुंबक को ला के इस चुंबकीय पदार्थ लोहे का टुकड़े के साथ में यदि हम चिपकाए, तो जैसे ही चिपकाएंगे तो क्या करेगा, इसका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर जितने भी अणु हैं उसके साउथ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसके कारण क्या होगा, ये पूरे के पूरे इसके साउथ पार्टिकल्स को, साउथ नेचर के पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण इसके नॉर्थ पार्टिकल अपने आप दूसरी ओर सेपरेट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, चुंबक। तो आप अणुओं की व्यवस्था में क्या अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर इसके अणु क्या है, छोटे छोटे चैन बनाए हुए हैं, और यहाँ पर इसके अणु क्या हो गए, इसके प्रभाव में आके व्यवस्थित हो गए। क्लियर? और इस घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। ये ध्यान रखना, चुंबकीय प्रेरण भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ये है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या हुआ, जब चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बंद समूह टूट के समांतर क्रम में सब व्यवस्थित हो गए। अब इस तरह से सब के सब व्यवस्थित हो गए हैं, पूरा अलाइनमेंट हो गया इसका प्रॉपर, ये कहलाता है। और चुंबकीय प्रेरण इसका क्या है, प्रमाण है, यही इसका प्रमाण है। अब इसका प्रमाण क्या हो सकता है, देखिए यदि हम इसके प्रमाण के बारे में अब बात करें, तो अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जब किसी चुंबक में बाह्य बल आरोपित करते हैं, मतलब उसको हथौड़े से मारते हैं, गर्म करते हैं, पीटते हैं, पटकते हैं, तो उसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यदि इस चुंबक को यदि हम हथौड़े से मारें, गर्म कर दें, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो अणु हैं, वो वाइब्रेट होते हैं, कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने के कारण फिर वो छोटे छोटे बंद समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये जो व्यवस्था फिर इसमें रिटर्न आ जाएगा, इसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये सिद्धांत है चुंबक का, आणविक सिद्धांत। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेट, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। चुंबक के सभी अणु व्यवस्थित हैं, समांतर क्रम में जमे हुए हैं, और चुंबकीय पदार्थ के जो अणु हैं वो ऐसे छोटे छोटे बंद समूह बना रहे हैं। देखिए इस बात को हम अपने लाइफ से कोरिलेट करें, तो एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि फिजिक्स के सिद्धांत जितने निर्जीव चीज़ों पर, भौतिक वस्तुओं पर जितने अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं। ये न्यूटन का एक कोटेशन है। इस बात को मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा कैसे, तो जैसे उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। स्वाभाविक रूप से आप किसी को गाली दोगे तो आपको नमस्कार नहीं करेगा, गाली देगा,
मतलब आप जो क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया हमारे बिहेवियर में भी होता है। एग्जैक्टली वैसी यहाँ पर यदि इसको हम अपने लाइफ के साथ कहें, हमारी लाइफ में ऐसा कैसे होता होगा, जैसे एक आदमी के पास बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है, उसके सारे अणु मतलब उस आदमी के अंदर पूरी क्षमता है, लेकिन अपनी शक्तियों को इस तरह से छोटे 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 भागों में बांट के रखा है, मतलब वो अपने पावर को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। और यदि वही कोई महान आदमी जो बड़ा काम कर रहा है सोसाइटी में, उसने अपने अपने पूरे पावर को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा है, डिसिप्लिन में रखा हुआ है, 24 आवर्स मेरे पास है, 24 आवर्स किसी और के पास भी है, लेकिन मैंने अपने 24 आवर्स को प्रॉपर मैनेज करके रखा है, तो मैं एक बड़ा रिजल्ट दूंगा। लेकिन सपोज मैंने अपने 24 आवर के छोटे 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 पार्ट्स को ऐसे छोटे छोटे काम में लगा के रखा है, कहीं भी उसको अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं पूरी शक्ति रखने के बावजूद उस शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो जितना ये मैग्नेट में इफेक्टिव है चुंबक आणविक सिद्धांत, नेचुरली हमारे लाइफ में भी है कि हमको भी इस अरेंजमेंट में नहीं, इस अरेंजमेंट में होना चाहिए, तो हम अपने पावर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी हम किसी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो यह है चुंबक का आणविक सिद्धांत, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से स्टूडेंट समझता है कि चुंबक और सामान्य लोहे के टुकड़े में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, हम जो इस चैप्टर में जो पढ़ाई करेंगे वो कंप्लीट हम दंड चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। दंड चुंबक मतलब बार मैग्नेट। मैंने अभी बताया कि वास्तव में बार मैग्नेट हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसकी सहायता से हम पूरे मैग्नेट की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। वो एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंटल मैग्नेट नहीं है, डिवाइस बनाने वाला मैग्नेट नहीं है, स्टडी मैग्नेट बोलता हूँ उसको मैं। अध्ययन के लिए उस चुंबक का निर्माण किया गया, इसीलिए हम लोग अपनी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में दंड चुंबक ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम दंड चुंबक का बार मैग्नेट जो मैं यहाँ पर ये रखा हूँ बार मैग्नेट, इसकी पूरी प्रॉपर्टी को हम पढ़ लें कि भाई इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ दंड चुंबक का परिचय, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब है कि उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं एक चित्र बना दूं। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर कई बार बता चुका बार मैग्नेट को, तो यहाँ पर हम चित्र की सहायता से उसको समझा रहे हैं। तो ये देख लो कि ये एक दंड चुंबक मैंने बनाया। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज। 9 पॉइंट में मैं इसको समझाऊंगा, और ये पूरे 9 पॉइंट्स इसकी टर्मिनोलॉजी है, मतलब इसमें यूज होने वाले टेक्निकल वर्ड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जनरली अपने फिजिक्स के हर क्लास में मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हमारी एक बड़ी समस्या है, हमको कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्यों लगता है। डिफिकल्ट लगने का जो सबसे बड़ा वजह मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया वो ये पाया कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत से टेक्निकल वर्ड्स को अपने दिमाग में बिना उनको समझे स्टोर कर लेते हैं। ये बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स, ये क्या है, तो विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, तो प्रेरण क्या है, आघूर्ण क्या है, आवेग क्या है, ये शब्द हमको याद हैं, लेकिन उन शब्द के हमको प्रॉपर सेंस नहीं पता होता। या तो हम उसको रट लिए होते हैं कि एग्जाम में लिखना है करके, या ऐसे उसको याद कर लिए, अपने दिमाग में बिठा लिए, इस कारण हमको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। तो मैं हर स्टूडेंट को एक बात के लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप जब कोई नया वर्ड, कोई नया टेक्निकल, टेक्निकल क्या लाइफ में यूज होने वाले कॉमन वर्ड यदि जब हम दिमाग में बिठाते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि पहले आप उसको समझो कि ये है क्या। अदरवाइज आपका ब्रेन ओनली एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के पास बहुत ज्ञान नहीं होता। डिक्शनरी में तो कितने सारे वर्ड हैं, लेकिन क्या उसको डिक्शनरी को कोई नॉलेज है, खुद को कोई नॉलेज नहीं है। तो आप एक कॉमन डिक्शनरी बन जाएंगे। डिक्शनरी और आप में डिफरेंस ये है कि आप उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको समझना है, और ये बात फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बोला ध्रुव, अब यदि ध्रुव तो कौन नहीं जानता, जो चुंबक के बारे में सुना है ध्रुव जरूर जानता है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अब यहीं पर किसी को पूछ दिया जाए कि भैया ये ध्रुव क्या होता है, तो नहीं पता। ध्रुव मालूम है उसको, बता भी देगा ये ध्रुव है, लेकिन ध्रुव होता क्या है तो नहीं पता। यही प्रॉब्लम है,
यही प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट का डिफिकल्ट लगने का। यदि आपने अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज किया, मतलब आप एनालिटिकल वे में पढ़िए, आप चीज़ों को विश्लेषण करके पढ़िए, चीज़ों को सीधा सीधा अपने दिमाग में जगह मत दीजिए, भले उसको समझने में आपको एक मिनट के बजाय 10 मिनट लगे, लेकिन एक बार यदि आप उस चीज़ को समझ गए, फॉर एवर वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं फिजिक्स के टर्म को, जो टर्म उसमें यूज होते हैं, उसको इतना समझा दूँ कि फिर सपने में भी आपको आए तो पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ है, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मैं इसीलिए एक एक पॉइंट पे उसको डील कर रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव क्या है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये हर किसी को पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ध्रुव क्या है, चुंबक में स्थित दो बिंदु हैं, दो पॉइंट्स हैं। कैसे बिंदु हैं, यहाँ पर मैं इस साइड में रिप्रेजेंट करूँ तो ये एक बिंदु बनाया मैं और इधर एक बिंदु बनाया, और दोनों को मैं एकदम किनारे पर ना बना के थोड़ा अंदर बनाया हूँ, इसका रीजन मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये दोनों चुंबक के ध्रुव हैं, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ध्रुव, फिर इसकी विशेषता, इसमें तो हजारों अनंत बिंदु हैं, तो यही दो बिंदु में क्या विशेष खास बात है भाई, जब चुंबक में अनंत बिंदु हैं तो ये दो बिंदुओं में क्या खास बात है, यहाँ खास बात है, क्या खास बात है कि इन बिंदुओं पर चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है, बाकी सारे बिंदु इससे कमजोर होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि चुंबक में स्थित वह बिंदु जहां पर उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अच्छा, आप इस पर मैं जितने 9 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सिर्फ बार मैग्नेट के लिए आप ध्यान में रखना, इन सिद्धांतों को आप दूसरे जगह अप्लाई नहीं करना। कहीं आप ध्रुव खोजने लगे सर्कुलर मैग्नेट में तो ध्रुव उसमें होता है लेकिन वेरिएबल होता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपको दंड चुंबक में लगाना है। तो क्लियर, ध्रुव क्या होता है, चुंबक में स्थित वह बिंदु जहां पर उसकी चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है। सेकंड पॉइंट, ध्रुव प्राबल्य, इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, हर किसी को पता है। तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब वही है, इन दो ध्रुवों के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। देखो इसका संकेत फिक्स है, ध्यान रखना, संकेतों को आप नहीं बदल सकते, इसको कैपिटल नहीं कर सकते, कैपिटल करोगे तो दूसरा सेंस हो जाएगा। तो ध्रुव प्राबल्य का क्या परिभाषा हुआ, ध्रुवों के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, प्रभावकारी लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, 2L, टू स्मॉल l, ये इसका प्रभाव की लंबाई है। तो प्रभाव की लंबाई का परिभाषा क्या हो जाएगा, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। देखो चुंबक की पूरी लंबाई नहीं ना, कई बार स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि प्रभाव का ये लंबाई मतलब पूरे चुंबक की लंबाई मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मतलब चुंबक की पूरी लंबाई से वो छोटी होती है, क्योंकि पूरी लंबाई तो इस एंड से इस एंड तक होगा और हम बोल रहे हैं नॉर्थ से साउथ तक के बीच की दूरी। अब आप यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चुंबक के दोनों ध्रुव थोड़ा अंदर क्यों होते हैं, एकदम किनारे क्यों नहीं होते। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट पोल हैं। मान लो दोनों अपोजिट पोल हैं, इनको पास मिलाऊंगा तो थोड़ा एक दूसरे के अंदर की ओर आकर्षण के कारण क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। तो ये होता है उसकी प्रभावकारी लंबाई। फोर्थ पॉइंट है चुंबकीय आघूर्ण। देखो चुंबकीय आघूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है चुंबक का। चुंबकीय आघूर्ण इंग्लिश बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और यह एक मैथमेटिकल टर्म है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, और कैपिटल एम बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावकारी लंबाई। तो इसका परिभाषा ही हो जाएगा, किसी दंड चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2ml। तो कहीं भी आप ध्यान रखना 2ml का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है? ये जो चुंबक है, इस चुंबक के सेंटर में, इस चुंबक के सेंटर में स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति क्या हो, शून्य हो। मतलब इस दंड चुंबक के ठीक मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता शून्य होती है, वहां कोई चुंबकीय शक्ति नहीं होती, क्योंकि पूरे दोनों पॉइंट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। वो क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओ से। ओ मतलब वो मिड पॉइंट है उसका, क्लियर। ये कहलाता है उदासीन बिंदु। नेक्स्ट सिक्स नंबर का हमारा टर्म है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है? देखो निश्चित रूप से अक्ष क्या है, एक लाइन है। ये मैं ब्लू रेडिंग से इसको बना देता हूं। ये देखो ये चुंबकीय अक्ष है। तो चुंबकीय अक्ष की हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ये है चुंबक का अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहेंगे? चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव से, ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा। चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ नहीं इसमें। इसके बाद उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष, निरक्ष भी कहते हैं इसको, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष का मतलब क्या होता है? उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा, ये उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली ऐसी रेखा जो अक्ष पर क्या हो, लंबवत हो। ये है उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस। क्या परिभाषा हो गई इसका? इसकी दो खासियत कि वो उदासीन बिंदु से होकर जाए और अक्ष पर लंबवत हो। यदि अक्ष पर लंबवत हो ना बोलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, तो ये उदासीन अक्ष कहलाता है। एट नंबर का पॉइंट है ज्यामिति लंबाई। ज्यामितीय लंबाई, इंग्लिश बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामिति लंबाई के, अब उस लंबाई की बात हो रही है जो चुंबक की एक्चुअल लंबाई है। मतलब यहां से लेकर, अभी मैंने बताया कि ये जो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है वो क्या है, 2L है ये, और यहां से यहां आधी लंबाई L है, ये ध्यान रखिए। अब यहां से यहां तक, इस सिरे से इस सिरे तक इसकी जो लंबाई होगी वो क्या है, ज्यामिति लंबाई है, क्लियर। ज्यामिति लंबाई मतलब चुंबक की वास्तविक लंबाई। जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं स्केल लेकर इस सिरे से इस सिरे तक मेजरमेंट कर दूं तो जितना सेंटीमीटर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ज्यामिति लंबाई होगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान में रखना, वो ये है कि जो प्रभावकारी लंबाई होती है 2L, वो 5/6 ये ज्यामिति लंबाई होता है। ज्यामिति लंबाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह आपको काम आएगा। तो ये रिलेशन क्या बताता है? वास्तव में हम चुंबक के प्रभावकारी लंबाई को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? सीधा मेजरमेंट करके नहीं बता सकते। क्यों? कि मान लो मेरे को ये कोई चुंबक दे दिया, अब बोला सर इसकी प्रभावकारी आप लंबाई निकालो, तो प्रभावकारी लंबाई का परिभाषा है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो ध्रुव तो यहाँ पर आइडेंटिफाई है नहीं कि कौन सा बिंदु ध्रुव है, वो तो मेरे लिए अननोन पॉइंट है। ऐसा कि नहीं वहाँ तो कोई इंडिकेटर बल्ब जल रहा कि भाई मैं ध्रुव हूँ करके बता रहा है कि मैं उसको माप दूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको प्रयोगों के द्वारा निकाला गया, तब हम क्या करते हैं, उसकी हम ज्यामिति लंबाई निकाल लेते हैं। ज्यामिति लंबाई तो हम माप सकते हैं किससे, स्केल के हेल्प से। स्केल से नाप दिया, मान लो निकल गया 6 सेंटीमीटर, तो उसमें 5/6 का, अब आप बोलोगे 5/6 कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों ने इसको प्रूफ किया है। तो 5/6 का गुणा करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, उसकी प्रभावकारी लंबाई मिल जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन,
मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय अमोतर। चुंबकीय अमोतर क्या होता है? ये एक सतह है, एक प्लेन है। किस तरह का सतह है कि सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसके अक्ष से होकर जाने वाला कोई इस प्रकार का सतह है। अभी आपको मैं अपने बार मैग्नेट में बताया था, ये कोई सतह है। इस सतह को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष या मुत्तर, मतलब चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाला सतह। जैसे यहाँ पर ये मैं रखा हूँ बार मैग्नेट, और यहाँ से इसके अक्ष से मान लो यहाँ पर एक सतह ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ से जो ऊपर और नीचे इसके अक्ष से होकर जो प्लेन जाएगा, जो सतह जाएगा, उस सतह को ही हम क्या कहेंगे? चुंबकीय अमोतर। चुंबकीय अमोतर का मतलब होता है चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाला सतह। तो ये जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताया, ये चुंबक का लैंग्वेज है। यदि ये 9 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, दिमाग समझ लिया ना, याद कर लिया नहीं बोलो मैं, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया कि ध्रुव क्या है, ध्रुव का बल क्या है, प्रभाव की लंबाई, तो आपको फिर मैग्नेट के आगे चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, चुंबकीय बल रेखाएं, ये मैं आपको पढ़ा दूं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं, ये एक वर्क दे के जाऊंगा आज मैं आपको। तो मैं वैसे आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो ढंग से देखा होगा, जो विद्युत का पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में मैंने जब विद्युत बल रेखाओं के गुण को बताया, तो तुलनात्मक रूप से मैंने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी बताया। वहां आपको देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं यहां पर एक बार उसको रिवाइज जैसा कर देता हूं। तो ये है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण पढ़ेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता क्या है, देखो ये सपोज एक दंड चुंबक है और ये दंड चुंबक का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब यहां पर मैं कोई चुंबकीय सुई रखता हूं, सपोज यहां पर मैं एक मैग्नेटिक नीडल रखा, ये चुंबकीय सुई, तो क्या करेगा? नॉर्थ पोल उसके नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा और साउथ को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इस प्रकार से सुई को मैं इस किनारे से इस किनारे तक ले जाऊं तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे, नीचे भी लेके जाऊं तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से जो बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, ये पूरे पॉइंट्स को यदि हम मिला दें ऐसा, तो ये इनको मिलाने से जो रेखा मिलेगा उसी रेखा को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबक के बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ, और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ये चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव के यहाँ पर गमन कराते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसका? चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। निष्कोण क्यों? क्योंकि कोण नहीं बनाते, देखो कर्व है। और काल्पनिक क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमको दिखती नहीं, हमने केवल उसको इमेजिन किया, उसकी कल्पना की है। तो क्या परिभाषा हो जाएगा? चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, एकांक उत्तरी ध्रुव उसमें गमन कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण। तो गुण क्या क्या है? पहला गुण तो मैंने अभी बता दिया कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ और साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ की ओर जाती हैं, मतलब ये बनाती हैं बंद वक्र। यहीं पर एक अंतर है मात्र कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाते हैं, उस चैप्टर में मैंने समझाया है। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इस प्रकार से ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से स्टार्ट होकर माइनस में समाप्त हो जाती हैं, ये वापस नहीं आती, इसलिए खुला वक्र होती है और ये बंद वक्र। एकमात्र अंतर है चुंबकीय बल रेखा और विद्युत बल रेखा में, एकमात्र अंतर है, बाकी जितनी प्रॉपर्टी है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, कभी अंतर पूछे तो बस एकमात्र अंतर है, बाकी बहुत आसान है। दूसरा देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, मतलब जहां पर इनकी मात्रा बहुत होती है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पर उसकी शक्ति या उसकी तीव्रता भी क्या होती है? अधिक होती हैं। जहां पर विरल होती हैं वहां पर कम होती हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जहां ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को लंबवत आकर्षित करती हैं, लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब यहां पर किसी और चुंबक की चुंबकीय बल रेखा को ले आए
तो सीधा सीधा लंबवत प्रतिकर्षित करेंगी या लंबवत आकर्षित करेंगी। ये आसान है, बहुत कुछ नहीं है, लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होता है, प्रतिकर्षण। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि किसी भी चुंबकीय रेखा पर यदि यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जानना चाहें तो वहाँ पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ता है। ये तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आप समझते हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पर खींचने वाली रेखा जो एक पॉइंट पर उसको टच करता है। तो तीव्रता की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वह स्पर्श रेखी, यह स्पर्श रेखी दिशा में होती है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद एक पॉइंट फाइव मैं स्पेशल हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत से बोर्ड एग्जाम में इसको बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। यह तो इसका गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, यह क्वेश्चन में आता है, नहीं काटती हो तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में आता है क्यों, क्यों नहीं काटती। गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं काटते हैं। तो क्यों नहीं काटने का कारण क्या है, देखो अभी हमने बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। मान लो दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये एक बल रेखा लिया, ये बल रेखा, एक पहला बल रेखा है, दूसरी बल रेखा है, मान लिया कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, हमने ऐसा मान लिया, गलत मान लिया। तो हम यदि यहाँ पहली रेखा के लिए यहाँ पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खींचना चाहें तो ये इसकी दिशा होगी स्पर्श रेखा, और दूसरे के लिए खींचना चाहें तो ये दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बिंदु पर केवल एक और एक ही बल रेखा या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए दो स्पर्श रेखा चाहिए, और एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। अतः यह मानना कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं गलत है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आज के मेरे सेशन में मैं यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। देखिए इस तरह से मैं थ्योरेटिकल टॉपिक, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब क्यों नहीं काटती इसको मैं आपको बताता हूँ। तो कई स्टूडेंट्स का मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आता है कि सर इसको क्लास में बोल के डिटेक्ट करके आप लिखवा दीजिए, कैसे पॉसिबल हायर क्लास में। दूसरा, मैं आपको पूरा, मैंने कई बार अपने वीडियो में बता चुका कि मैं आपको अपने पूरे लेक्चर का PDF आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लेकिन आप तुरंत वीडियो देखने के बाद उसको सर्च करते हैं तो आपको नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है डालने में। मैं आपको ये बात कई बार बता चुका कि मैं बहुत मेहनत करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, इंग्लिश का मेरा ऑलरेडी 100% कम्प्लीट है, अपलोडेड है वो, तो उसमें थोड़ा डिले होता है, आप पेशेंस के साथ उसको थोड़ा वेट करके आपको मिलेगा। और क्लास में आप समझें कि पूरी कोशिश कीजिए, तो मैक्सिमम चीज़ तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ऑफलाइन क्लास का मुझे बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में 90% कंटेंट्स लर्न करके क्लासरूम से निकलते हैं, ये मेरे लिए एक चैलेंज होता है। तो वैसे ही क्लास है, आप उसको यूज़ करिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा इस पर वो होगा इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में मैं स्टार्ट करूँगा कूलाम्स लॉ से, फिर अक्षीय स्थिति, फिर निरक्षीय स्थिति, फिर बल अगुण। आप समझ गए होंगे कि आपने यदि मेरा विद्युत का फर्स्ट पार्ट का टॉपिक चैप्टर देखा होगा तो ये सब चीज़ वहाँ पर पढ़ाया जा चुका है। तो मैं मैग्नेट में दोबारा उसको पढ़ाऊँगा, लेकिन रिविजन जैसे होगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को रिवाइज करके ही मेरे सेकेंड वीडियो के क्लास में आप अटेंड होंगे। ओके, थैंक यू।